पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। वैक्सीन को लेकर गहलोत ने राजनेताओं से की चर्चा, मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे खान विभाग की समीक्षा। 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं देश भर में स्कूल कॉलेज। टोंक के पत्रकार को मिला शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड। मुख्यमंत्री ने ली जैसलमेर जिला मुख्यालय पर वीसी। योग दिवस के अवसर पर फलौदी में कार्यक्रम। 57वीं बीएसएफ वाहिनी कर रही योग कार्यक्रम। तेज अंधड़ में कई बिजली पोल हुए धराशायी। जैसलमेर के भणियाणा में खेजड़ी काटने का विरोध। फलौदी में मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अभी हमें राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करना है। इंसान बचेगा तो ही हम राजनीति कर पाएंगे। राजनीति में सभी सेवा करने के लिए आए हैं और अब सेवा करने का ही मौका आया है। छोटी मोटी आलोचना होती रहती है, ऐसी आलोचना होनी भी चाहिए। कमावेशी बताने पर नुकसान क्या है, बस तथ्य किसी भी तरह गलत नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत आज खान विभाग की समीक्षा करेंगे। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना के मामले की कमी को देखते हुए देश भर में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी संस्थानों में परीक्षा, दाखिले और शोध कार्यों की ही अनुमति रहेगी। तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए कक्षाओं के संचालन को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। ज्यादा संभावना है कि कक्षाओं को ऑनलाइन ही खोला जाए। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। टोंक से हमारे Shift24 संवाददाता और शिक्षाविद श्री शैतान सिंह को आज शिक्षा के क्षेत्र में 4th नेशनल अवार्ड इंडिया प्राइम आइकन अवार्ड प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर हम सब पूरे Shift24 परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण में जन भागीदारी बढ़ाने के संबंध में जैसलमेर जिला मुख्यालय पर वीसी ली, जिसमें अन्य अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसलमेर से हमारे Shift24 संवाददाता जब्बर सिंह व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने रविवार को कोविड टीकाकरण के संबंध में भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता के लिए मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ ही सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संगठनों के साथ वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली। जिला मुख्यालय पर वीसी कक्ष में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीणा, RCHO डॉ. कुणाल साहू, रोटरी क्लब के अध्यक्ष PS राजावत, समाज सेवी ग्वालदास मेहता, चंद्रशेखर पुरोहित, पूर्व प्रधान मुलाराम चौधरी, धर्मगुरु हुरुम रशीद, रोटरी क्लब के पंकज H. खत्री, प्रोग्रामर मनोज बिश्नोई उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत के साथ विश्व के 117 देशों में योग किया, वहीं फलौदी में आज योग दिवस को लेकर शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालयों और चौपालों पर लोगों ने योग किया। फलौदी से हमारे Shift24 संवाददाता जितेंद्र बिस्सा ने बताया कि आज के दिन क्षेत्र के विभिन्न योग शिविरों में स्वास्थ्य से जुड़े आसन और सलाह योग शिक्षिका सुमन छंगाणी और योग गुरु सांवल सिंह भाटी के सानिध्य में श्री वेद भवन में दी गई। आज शहर के वेद भवन परिसर स्थित मैदान में विधायक पब्बा राम बिश्नोई के साथ गणमान्य लोगों ने उत्सुकता के साथ योग कर निरोग
रहने के टिप्स लिए। वेद भवन परिसर में आज अल सुबह योग कर स्वयं के साथ साथ लोगों को योग कर निरोग रहने का संदेश देने को लेकर संकल्प लिया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योग दिवस का आयोजन किया गया। पोकरण से हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि योग दिवस में 57वीं वाहिनी के जवानों और अधिकारियों ने विशिष्ट रुचि दिखाते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग के दौरान वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी श्री PPS नेगी, श्री राजेश सिंह यादव उप समादेष्टा और श्री शेर सिंह उप समादेष्टा, सूबेदार मेजर शैलेश प्रताप सिंह, निरीक्षक विशाल विश्नोई मौजूद रहे। योग के पश्चात वाहिनी के समादेष्टा श्री सुरेंद्र मिश्रा द्वारा योग की महत्ता को समझाते हुए बल के जवानों द्वारा योग की निरंतरता को अपने जीवन में बनाए रखने को कहा। पिछले दिनों आए तेज अंधड़ में कई पोल हुए थे धराशायी, विभाग नहीं ले रहा सुध, किसान परेशान। फलौदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र के निकटवर्ती गाँव में पिछले दिनों आए तेज अंधड़ में कई जगह विद्युत पोल जमीन दोज हो गए थे, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदारों को अवगत कराया, लेकिन उनके जूं तक नहीं रेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गांधी सागर बांसवाड़ा नगर जन्मप सागर रणीसर में विद्युत पोल धराशायी हो गए थे। किसानों ने जल्द से जल्द विद्युतीय ढांचे को दुरुस्त करने की मांग की है। जैसलमेर की भड़ियाणा तहसील में खरता राम जी की ढाणी से पाइपलाइन निकल रही है, जो नचना से पचपदरा रिफाइनरी जा रही है। पाइपलाइन के आगे खेजड़ी और केर वृक्ष काटे जा रहे हैं। भड़ियाणा से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि प्रशासन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान वासियों के लिए पूजनीय है। इसी वृक्ष से जोधपुर के खेजड़ली गांव का नाम हुआ। खेजड़ी वृक्ष के लिए बिश्नोई समाज से शहीद अमृता देवी ने बलिदान दिया था। जैसलमेर क्षेत्रफल बड़ा है, यहाँ पेड़ पौधों की कमी है और इंसानों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। वृक्ष काटे गए, वृक्ष कट गए तो क्योंकि यहाँ अकाल ज्यादा और बारिश कम होती है। जो पाइपलाइन निकल रही है वहाँ गरीब किसानों की खेती की हुई है और उसके बीच में पाइपलाइन निकल रही है। किसान बोल रहे हैं कि पाइपलाइन वालों ने हमें मुआवजा भी नहीं दिया। एडवोकेट मगन सिंह गोदारा ने बताया कि इस संबंध में जोधपुर हाईकोर्ट में रिट लगाऊंगा। फलौदी पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 अवैध देसी शराब के कार्टून, 32 पौवे, 20 बियर की बोतल बरामद की है। हमारे फलौदी संवाददाता के अनुसार 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि मतोड़ा थानाधिकारी नेमाराम इनानिया द्वारा 3 अलग अलग जगह से 19 अवैध शराब के कार्टून, 32 पौवे और 20 बियर की बोतलें बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मतोड़ा थाना अधिकारी नेमाराम इनानिया मय टीम द्वारा रविवार को नरफ्त सिंह पुत्र दुल सिंह जाति राजपूत निवासी पाबू नगर के कब्जे से 10 अवैध देसी शराब के कार्टून जब्त किए हैं। जैसलमेर गीता आश्रम के पास होकर ईदगाह और व्यास छतरियों की ओर जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। जैसलमेर से हमारे शिव 24 संवाददाता जब्बर सिंह व्यास के रिपोर्ट के अनुसार ये सड़क काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है और जब भी बारिश होती है यहाँ पर बरसात का पानी जमा हो जाता है और फिर ये काफ़ी लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मोक्षधाम और सनसेट पॉइंट पर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। जिला प्रशासन सुध नहीं ले रहा। बरसाती पानी काफी समय से एकत्रित होने की वजह से कहीं जानलेवा बीमारियों को न्योता दे रहा है। फलौदी जेल से फरार कैदियों में से एक फरार कैदी और मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे फलौदी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलौदी क्षेत्र में 5 अप्रैल 2021 को जिला 2 जोधपुर के फलौदी कस्बे के उपकारा गृह से फरार हुए 16 कैदियों में से एक कैदी हनुमान राम पुत्र तुलछा राम जाति बिश्नोई निवासी खारा हनुमानपुरा उग्रास फलौदी और बंदियों को फरार करवाने और पिकअप वाहन उपलब्ध करवाने वाले हजारी राम पुत्र बगडू राम जाति बिश्नोई निवासी सरनायत थाना रामदेवरा जैसलमेर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आज गठित टीम द्वारा वृत्ताधिकारी फलौदी पारस सोनी के नेतृत्व में थानाधिकारी फलौदी राकेश ख्यालिया द्वारा एक फरार कैदी और मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 2 गायों की मौत हो गई। जैसलमेर से हमारे शिव 24 संवाददाता जबर सिंह व्यास की रिपोर्ट के अनुसार तेजपाला गांव के मुख्य कैनाल के 122 RD के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर की चपेट में आई 2 गाय अकाल मौत का शिकार हो गई। पिछले कई महीनों से विद्युत ट्रांसफार्मर के तार खुले पड़े हैं
और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ पानी जमा हो रखा है। पंचायत समिति सदस्य भैरव सिंह तेजपाला ने बताया कि जलदाय और बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण दो गायों की जान चली गई और जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को दोनों घटनाओं की जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायत समिति सदस्य भैरव सिंह ने इस विद्युत ट्रांसफार्मर के चारों तरफ दीवार बनाने की मांग की है। बसवा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक वारदात को अंजाम दिया। बांदीकुई से हमारे शुभ 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि चोरों ने परचून की दुकान को सेंध लगाकर निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर में एचटी लगाकर ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दुकान से करीब 1.5 लाख का सामान चोरी हुआ है। पंच मुखी हनुमान मंदिर के सामने घटी इस वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का जायजा लिया। लालसोट में पुलिस कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस के जवानों ने योगासन किए। इस दौरान पुलिस जवानों ने निहाल सिंह के नेतृत्व में योग किया, जिसमें दान सिंह, कर्ण नरेश योगी, जितेंद्र जांगिड़, पवन कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिसकर्मी निहाल सिंह ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए योग दिवस मनाया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित बाल उद्यान में भाजपाइयों ने सामूहिक योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। दौसा वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से 60 फीट गहरे कुएं में गिर गए राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाया। बांदीकुई से हमारे शुभ 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि सिकराय वन विभाग टीम द्वारा मोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सुमेल कला गांव के एक सूखे कुएं में ग्रामीणों को एक राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई दिया। कोलवा पुलिसकर्मी हजारीलाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग बांदीकुई को सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग के कमल सिंह मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम बुलाई, जिसने बिना समय गंवाए राष्ट्र पक्षी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मोर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दौसा जिले की ग्राम पंचायत आलूदा में बारिश के दौरान बहते नाले में 1 साल का बच्चा गिर गया। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे को सकुशल निकाला गया। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी ने बताया है कि समय रहते बच्चे को बचा लिया गया। पूर्व सरपंच जुगल किशोर मीणा ने नाली की सफाई समय पर नहीं होने का आरोप लगाया है। नाला काफी समय से टूटा हुआ है, इससे पूरा पानी रोड पर आ जाता है और आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी होती है। दौसा में सोने मकान में नकबजनी करने वाले गैंग का एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली पुलिस के द्वारा तकनीकी सहायता और संसाधनों की सहायता से शहर में सोने मकान में हो रही चोरी नकबजनी की वारदात करने वाली गैंग के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि सौरभ सोनी पुत्र गिरिराज सोनी जाति सुनार, उम्र 22 साल, निवासी सुनार मोहल्ला नांगल राजवतान, हाल निवासी पूनम सिनेमा के पीछे रामदेव मंदिर के पास दौसा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकबजनी का रूम हीटर और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस मुलजिम से पूछताछ कर रही है। इसमें और अन्य वारदात का भी खुलासा हो सकता है। थाना कोतवाल लाल सिंह ने बताया पुलिस ने तकनीकी संसाधनों से चोरी का खुलासा करते हुए घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर रह रहे सौरभ सोनी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दौसा के लालसोट क्षेत्र में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि शातिर मोटरसाइकिल चोर को लालसोट थाना प्रभारी राजवीर सिंह राठौर ने दबिश देकर दो गाड़ियों के साथ पकड़ा है। शातिर मोटरसाइकिल चोर दिलखुश मीणा से पूछताछ और अनुसंधान जारी है। उदयपुर में एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी का मामला सामने आया। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि उदयपुर में रविवार को धाना मंडी थाना क्षेत्र में मंडी में वीकेंड कर्फ्यू में एक पतंग की दुकान खुली थी। जब पुलिस के दो जवान दुकान बंद करवाने पहुंचे और दुकानदार को सख्ती से कहा कि दुकान बंद करे, तब युवक ने कहा कि ये दुकान काफ़ी पुरानी है और ये बंद नहीं होगी। ऐसे में पुलिस ने सख्ती से कहा तो दुकानदार और उसके परिजन आपस में उलझ गए। ऐसे में परिजनों ने भी पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट के आरोप लगाए। वहां से जवानों ने पुलिस थाने में सूचना दी और दुकानदार मुख्तार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में NSUI द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए रन फॉर लंग्स की शुरुआत की गई। उदयपुर से शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी के अनुसार शनिवार को कोरोना में अपनी सेवा देने वाले वॉरियर्स के लिए NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा फतेह सागर पर दौड़ लगाई गई। NSUI के हिमांशु पंवार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देश के बाद कोरोना में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस और अनेक वॉरियर्स जो दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगे हैं, उनके लिए NSUI ने दौड़ लगा रन फॉर लंग्स की शुरुआत की है। नागौर में सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीन दयाल
रांकावत ने बताया कि शहर के मुख्य बाजार तिगरी बाजार में पानी की लाइन जोड़ने के लिए सड़कों को खोदा गया। दो माह बाद भी सड़कें नहीं बनी, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, चारों ओर गंदगी का आलम है, लोगों का जीवन दुर्लभ हो चुका है। बार बार शिकायत दर्ज करवाने पर भी नगर परिषद की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नागौर में आज एक योग शिविर का आयोजन किया गया। नागौर से हमारे शिव24 संवाददाता दीनदयाल रांकावत की रिपोर्ट के अनुसार योग दिवस के उपलक्ष्य में नागौर के भक्त सागर तालाब में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर वासियों वर नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने भाग लिया। बापिणी तहसील मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये बात रविवार को बापिणी के दौरे पर रहे क्षेत्रीय विधायक किसनाराम बिश्नोई ने कही। बापिणी से हमारे शिव24 संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापत ने बताया कि उन्होंने कहा कि बापिणी ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण यहां के स्वास्थ्य केंद्र में बाहरी मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विशेष मुलाकात कर जल्द ही CHC में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं समिति मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। पंचायत समिति कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में भी हिस्सा लिया। कोरोना से परिवार के सदस्यों को गंवा चुके परिवारों को भी ढांढस बधाया। इस दौरान विकास अधिकारी हनुमान राम चौधरी, ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष बाबू सिंह पूनासर खुर्द, सरपंच भोजा राम, उम्मेद राम प्रजापत, सोहन शर्मा, भंवर सिंह लुम्बा आदि उपस्थित रहे।